अब हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर न्यूट्रिशन एंड एनिमल के सेकंड एक टॉपिक को, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी दो चीज़ें आती है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़े हुए एसोसिएटेड ग्लैंड्स। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ सीक्वेंस आर माउथ, जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, इसोफेगस जो कि फूड पाइप है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो कि तीन तरीके की हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ मिलेंगी, आपके माउथ के अंदर या बकल कैविटी के अंदर। सेकेंडली लिवर, लिवर क्या है, लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमन ऑन द राइट साइड। राइट साइड में एब्डोमन के अपर पार्ट पे हमें क्या मिलेगा, लिवर, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इसके बाद आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल जस्ट बिलो में क्रीम कलर के कलर्ड ग्लैंड मिलेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, पैनक्रियाज। द डक्ट और पाइप ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इन टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पोर द सिक्रीशन ऑफ देयर डाइजेस्टिव जूसेज इन टू द एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो क्या है, माउथ और बकल कैविटी। इन द माउथ और बकल कैविटी फूड इज टेकन इन टू द बॉडी और इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। खाना किसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, माउथ और बकल कैविटी के थ्रू। द माउथ और बकल कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। टीथ जो होगा खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, उनको च्यू करके ग्राइंड करेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगी, वाटरी जूस या वाटरी लिक्विड जिसे हम सलाइवा कहते हैं वो सिक्रीट करेगी। टंग क्या हेल्प करेगी, मिक्स करेगी सलाइवा को इस फूड के साथ में मिक्सिंग के लिए। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड पार्शली। सलाइवा क्या है, डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि खाने के अंदर मौजूद स्टार्च को पार्शली डाइजेस्ट करने का काम करता है। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज स्वॉलोन बाय टंग एंड गोज इन टू इसोफेगस और फूड पाइप। जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है टंग की हेल्प से ये इसोफेगस के अंदर नीचे की तरफ जाता है। इसके बाद आता है इसोफेगस और फूड पाइप। जब खाना टंग से इसोफेगस के अंदर आता है विच कनेक्टेड टू द माउथ और बकल कैविटी और स्टमक। स्टमक और बकल कैविटी के बीच के हिस्से को जो ट्यूब या पाइप कनेक्ट करती है वो क्या कहलाती है, इसोफेगस। इसोफेगस इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप, इट रन अलोंग द नेक एंड चेस्ट। इसोफेगस कैरीज अ स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। इसोफेगस क्या करेगा, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है उसको मुँह से पेट की तरफ लाने का काम करेगा। द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव डाउन थ्रू इसोफेगस बाय पेरिस्टलाइटिस। पेरिस्टलाइटिस क्या प्रोसेस है, व्हेन द फूड एंटर इसोफेगस एट द टॉप एंड द मसल इन द वॉल ऑफ इसोफेगस स्टार्ट ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब खाना इसोफेगस के टॉप एंड के ऊपर एंटर करेगा तो उसकी मसल जो होंगी वॉल की वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस से क्या होगा, एक वेव लाइक प्रोडक्शन, एक वेव लाइक मूवमेंट शुरू होगा जो कि खाने को धीरे धीरे स्टमक की तरफ धकेलने का प्रोसेस या काम करता है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ बरिंग लॉन्ग ट्यूब, इट्स अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब जो है वो बेली के अंदर एक कॉइल की फॉर्म में पूरी तरीके से अरेंज रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होने के बावजूद स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी क्वाइट नैरो ट्यूब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग इज अ साइट ऑफ अ कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। द पार्शियल डाइजेस्टिव फूड जो स्टमक से है जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लिवर, पैनक्रियाज और उसकी खुद की वॉल से डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रेशन स्टार्ट करना शुरू कर देती है। ऑल डाइजेस्टिव जूसेस कैरी आउट बाय कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आर एज
और सबसे पहले क्या आता है, लीवर क्या सिक्रेट करेगा, लिक्विड जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल, विच इज स्टोर्ड टेम्परेली इन द सैक ऑफ अ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के सैक में ये टेम्परेली बाइल जूसेज जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। बाइल जूसेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। एक्चुअली बाइल जो होता है, बाइल जूस जो होता है वो फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है जिससे कि वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है ईजीली। पैनक्रिया सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन फैट्स कम्प्लीटली इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पैनक्रियाटिक जूसेज ऑल्सो ब्रेक डाउन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इंटू सिंपल फॉर्म। दी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस ब्रेक डाउन द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कम्प्लीटली इंटू सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। इन दिस वे जो फूड जो होगा वो कम्प्लीटली वेरी वेरी स्मॉल वाटरी सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टिव फूड नाउ कैन पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिगर लाइक आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड विली। द प्रेजेंस ऑफ विली गिव द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटीरियल इन टू ब्लड फ्लोइंग थ्रू दैम। द ब्लड कैरिज द एब्जॉर्ब फूड मटीरियल टू द सेल, टू द डिफरेंट सेल। फूड इज यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। द ग्लूकोज ब्रेक डाउन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीजेस एनर्जी। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होंगे वो बिल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड फॉर्म अ फैट टू बी स्टोर इन अ बॉडी फॉर रिजर्व फूड। अमीनो एसिड आर यूज फॉर मेकिंग प्रोटीन रिक्वायर्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी। अ पार्ट ऑफ अ फूड विच कैन नॉट बी ईटन और अनडाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये फूड क्या होगा, अनडाइजेस्टेड ही रहेगा, अनएब्जॉर्ब ही रहेगा एंड प्रोसेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन टू द नेक्स्ट पार्ट या डाइजेशन के नेक्स्ट हिस्से में चला जाएगा। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है मिनिमम मैक्सिमम 1.5 मीटर्स लॉन्ग रहती है। इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होती है एक काफ़ी क्वाइट वाइड ट्यूब होती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, इसमें से मिनिमम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द वाटर जो अनडाइजेस्टेड फूड का होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड, और ये अनडाइजेस्टेड फूड कुछ समय के लिए लार्ज इंटेस्टाइन की जो सबसे आखिरी पार्ट है रेक्टम उसमें जाके स्टोर हो जाता है। एंड वेन वी गो टू द टॉयलेट ये जो अनडाइजेस्टेड या सेमी सॉलिड वेस्ट होता है ये हमारी बॉडी से पास आउट होता जाता है थ्रू द एनस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन।